हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कंप्लीट द टेबल, डिवीजन सेंटेंस है ये, इसका हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सेंटेंस बनाना है। इस तरह से इसे बनाएंगे, 8 को यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम 8 में 2 माइनस करते चले जाएंगे बार बार जब तक कि 0 प्राप्त नहीं हो। इस तरह से 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर से 2 माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। मींस यदि हम 8 में 4 बार 2 माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सेंटेंस होता है। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं और इसका जब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा ले रहे हैं, यहाँ 30 को 5 से डिवाइड करना है, तो 30 में 5 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर से 5 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर से 5 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर से 5 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर से 5 माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बार 5 को माइनस करते हैं 30 में तो 0 प्राप्त होता है। इस तरह से ये भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सेंटेंस बन गया। अगला लेते हैं, 40 को यहाँ 10 से डिवाइड किया गया है, तो 40 में 10 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर से 10 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर से 10 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर से 10 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 10 10 10 और 10, 4 बार 10 को माइनस किया गया है 40 में। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 20 को 4 से डिवाइड किया गया है, तो 20 में 4 माइनस कर देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर से 4 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर से 4 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, फिर से 4 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर से 4 माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस तरह से ये भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सेंटेंस बन गया। गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।